स्वागत है आपका हमारे चैनल ईएसजेड चेयर मैन्युफैक्चरर में। तो आज जो है हम दो चेयर का कंपैरिजन देखेंगे कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो कौन कौन सी चेयर है, एक तो आपकी गोदरेज हाईबैक चेयर है, गोदरेज मॉडल कहते हैं इसको, तो गोदरेज मॉडल की हाईबैक चेयर है। हाईबैक मतलब इसका बैक थोड़ा बड़ा है, शॉर्ट में भी आता है उसको लो बैक कहते हैं, यहाँ तक होता है उसका, और ये हाईबैक मतलब बैक हाई है, ठीक है। दूसरा आपका ये ब्रियो, ब्रियो हाईबैक चेयर। तो एक तो इसका आप पहले सामने से व्यू देख लो, ये फ्रंट व्यू है इसका, ये साइड व्यू है, एंड ये बैक व्यू है, ठीक है। अब वन बाय वन डिफरेंस देखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो अगर मैं स्टार्टिंग से नीचे से स्टार्ट करूं तो इसके जो व्हील्स हैं दोनों में नायलॉन व्हील्स हैं, बेस मेटेलिक है, और आप में बेस में चॉइस मिल जाती है मेटल लेना है नायलॉन लेना है, तो उसके लिए यहाँ पे आइलिंक आ रहा होगा, वो देख सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोलिक सेम है, पावर हाइड्रोलिक दोनों में है। और अगर ऊपर बात करें इसके बाद तो टिल्टिंग, इसमें जो है मैकेनिज्म है वो टिल्टिंग प्लेट है, इसमें जो है वो पुशबैक है। होता क्या है वो मैं बता देता हूँ, और कितने टाइप के मैकेनिज्म होते हैं डिफरेंट टाइप के वो आप देखना है पूरा, तो यहाँ पे आपको आइलिंक आ रहा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म वो आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो। तो मैं पहले बता देता हूँ टिल्ट मैकेनिज्म कैसा काम करता है, साइड व्यू देखना पड़ेगा आपको। मैं इसको लीन कर रहा हूँ, तो देख रहे होगे आप सीट भी उठ रही है बैक भी जा रही है, तो जितना सीट उठ रहा है उतना ही बैक जा रहा है। तो अगर 2 डिग्री सीट उठा तो 2 डिग्री बैक जाएगा, तो सीट और बैक में 1:1 का रेशियो रहता है, ठीक है, ये चीज है। और ये जो लीवर है इसको अगर मैं अंदर कर दूंगा तो लॉक हो जाएगा, पीछे नहीं होगा, इसको मैंने बाहर कर दिया तो अनलॉक हो जाएगा। और यही लीवर से हाइड्रोलिक ऊपर नीचे होता है, कैसे होता है, इसको ऊपर कर देंगे तो ऊपर, बैठने के बाद ऊपर करेंगे तो नीचे, जहां मर्जी रख सकते हैं। तो ये तो हो गया टिल्ट मैकेनिज्म। पुशबैक मैकेनिज्म की बात करें इसमें, तो इसमें जो है पुशबैक मैकेनिज्म है। पुशबैक मैकेनिज्म में क्या होता है, सीट आपकी फ्लैट रहती है और खाली बैक मूव करती है। ये मैं अनलॉक कर दे रहा हूँ, ये वाला लीवर होता है लॉक अनलॉक के लिए, अनलॉक कर दिया मैंने, बाहर खींच दिया, अब ये मूव कर रहा हूँ मैं। तो देखो आप सीट एकदम फ्लैट है, सीट नहीं मूव हो रही है, सिर्फ बैक जा रही है, ठीक है। तो ये पुशबैक मैकेनिज्म, लॉक करना है तो इस लीवर को अंदर कर देंगे तो लॉक हो गया। और हाइड्रोलिक ऊपर नीचे करने के लिए आगे वाला लीवर है, सेम वही, बैठने के बाद ऊपर जमा जमा हो सकते हैं, ठीक है। तो टिल्टिंग में क्या होता है कि आपका सीट भी उठेगा बैक भी जाएगा, और इसमें क्या होगा, सीट आपका फ्लैट रहेगा, खाली बैक मूव करेगा। ये था बाकी। अगर मैं इसके आर्म्स की बात करूं तो इसका आर्म्स टी शेप में है, और ये आपका साइड व्यू है इसका, थोड़ा सा ये डिजाइन मिल जाता है। और ये प्लास्टिक आर्म्स है, पीपी आर्म्स कहते हैं इसको। और ये है जो है प्यू आर्म्स है, प्यू मतलब रबर टाइप होता है थोड़ा, जैसे मैं कोहनी वगैरह रखूंगा तो चुभेगा नहीं, ठीक है। तो ये चीज है। और इसमें क्या है, ये अगर मैं ज्यादा देर तक कोहनी वगैरह रखता हूँ तो थोड़ा सा पेन हो सकता है, क्योंकि ये पूरा रिजिड है, ठीक है। और ये रबर टाइप है, प्यू आर्म्स कहते हैं इसको। और इसमें भी अगर प्यू आर्म्स लगाने आपको एडजस्टेबल वाले, जैसे कि इस चेयर में लगे हैं मैट्रिक्स वाले में, इसमें प्यू पैडिंग लगी हुई है और ये एडजस्ट भी कर सकते हैं, और ये मेटल है यहाँ से, और इसके ऊपर प्यू लगा है। तो अगर ये वाला लगाना है तो ये भी कस्टमाइज हो जाता है, हम लोग कर देते हैं, वो ऑर्डर पे रहता है, ठीक है। ये चीज हो गया, आर्म्स की बात हो गई। और अगर मैं इसका बैक का बात करूं तो इसमें हेडरेस्ट अलग से मिल जाता है, इसमें नहीं मिलता है। और ये हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल भी है, बटन दबा के ऊपर, बटन दबा के नीचे, ठीक है। तो ये एडजस्ट कर सकते हो, खाली ऊपर नीचे कर सकते हो, तो ये है इसमें, इसमें वो चीज़ नहीं है। तो अगर हाइट वाइज मैं देखूं तो ये थोड़ा सा क्या है, आपको थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट करता है, ये मैंने मैक्स हाइट पे गया हुआ है हेडरेस्ट। और अगर मैं बैठ के दिखाऊँ आपको तो ये हेड पे आ रहा है, ठीक है। हेडरेस्ट, नेक रेस्ट, बेसिकली नेक रेस्ट होता है, तो जैसे भी उसके नाम कर सकते हो, तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है। वहीं मैं अगर इस पे बैठूं तो मेरा हेड जो है फ्री रहेगा, पूरे शोल्डर तक मेरे को सपोर्ट मिलेगा, बट हेड क्या फ्री रहेगा, तो ये चीज है, ठीक है। तो इसमें आपको हेडरेस्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है, प्लस इसमें जो है आपका मैश में है, और ये जो है आपका पीछे भी कुशन है। तो आजकल तो मैश का वो चल रहा है, ट्रेंड टाइप कह सकते हो आप, तो मैश का ट्रेंड चल रहा है ये है। बाकी मैश का अगर क्वालिटी देखना तो ये नाइलॉन है, काफी मजबूत रहता है, ठीक है। ये नहीं कि आपका कट जाएगा या हो जाएगा, बट अगर काटने बैठे तो कट ही जाएगा ऑब्वियस है। तो अगर बाई चांस सिगरेट वगैरह पीते हैं कुछ तो छेद हो जाता है ना, तो फैलता नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, और काफी मजबूत रहता है, ये नहीं कि फट जाएगा या कुछ। और ये चीज है, ये नाइलॉन मैश है, नाइलॉन मटेरियल है मैश का। और बैक से व्यू देख लो आप, ठीक है। तो ये था पूरा, एक बार समराइज कर देता हूँ मैं क्या क्या था। व्हील सेम है, बेस सेम है, हाइड्रोलिक सेम है, ठीक है जी। उसके बाद सीट का थोड़ा सा आपको शेप में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। बाकी हैंडल की बात करूं तो इसमें प्लास्टिक आर्म्स है, इसमें आपके प्यू आर्म्स है। बैक की बात करूं तो इसके बैक में आपको हेडरेस्ट मिल जाता है, और मैं इस पर अगर चाहूं तो नेक या हेड अपना रेस्ट करवा सकता हूं। इस पर मेरे पूरे शोल्डर तक आ रहा है ये, ठीक है। और इसमें पीछे कुशन है, इसमें मैश है, नायलॉन मैश है, काफी मजबूत होता है। तो ये चीज था। बाकी आपको कंप्लीट क्वालिटी एंड फंक्शनलिटी देखनी है किसी पर्टिकुलर चेयर की, तो आप जाके प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आइलिंग कार होगा वो आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो थोड़ा भी, आपको अगर वैल्यू मिली हो इस वीडियो से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।